पहले कि सलमा अपनी पसंद का घर तलाश करके तुम्हारे दादाजी को दिखा दे, हमें घर पसंद कर लेना चाहिए ताकि वो हमारी पसंद का घर खरीदे। लेकिन सुंबल, मैंने तो मिसेस कमाल को ये बताया कि हम तो बंगला खरीद रहे हैं। बांग्लादेश में हर कोई बंगले में रहता है। मामा, ये बंगला तो जुबान है, आपको आती है? सुननी आती है भाई। खुशी अगर आ जाए तो बंगला खरीदना तो उसके बाएं हाथ का काम है। बाएं हाथ का? वो लेफ्टी है। देखो शायद खुशी आओ। जाना नहीं पिछाड़ा। अस्सलामुअलैकुम। असल में मैं जब घर में अपने चला जाता हूँ ना हंसता हुआ, तो मुझे मेरी बीवी भी नहीं पहचानती। घर में मैं इतना संजीदा सा रहता हूँ, ऐसे मैंने आदत बनाई हुई अपनी घर में। खुशिया, हमें बड़ा घर दिखा। अकल करो काका, क्या हो गया तुम्हें, बड़ा घर नहीं देखते? बीबी जी अभी कल ही बड़ी मुश्किल से जमानत पे आए हूँ ईमान से, तो वालदार को गिनती सही नहीं आती थी, उस वजह से बड़ी तकलीफ हुई है मुझे। उसको गिनती ना आने से आपको क्या तकलीफ हुई? अरे बीबी जी, आपको क्या पता, जब हवालदार मेरे जैसे ससुराल कर रहा था ना, तो गिनती इस तरह से कर रहा था, इतना नलायक हवालदार था मैं आपको बता नहीं सकता। 68, 65, 70, 17, पूरी दिहाड़ी में उसका 100 ही पूरा नहीं हुआ। खुशियाँ, हमें तो रहने के लिए घर चाहिए और वो भी बहुत जल्दी। तो हो जाएगा, ये तो लेफ्ट हैंड का काम है। जहां तक आपकी ख्वाहिश का तअल्लुक है, मैं समझता हूं कि आप अपने जहन को फारग रखें और परेशानी से दूर कर दें। कैश प्रॉपर्टी डीलर पर आने वाला शख्स परेशान नहीं होता, जाने वाला परेशान होता है। आप परेशानी को जहन से निकाल दें। देखें कैश साहब, आप दाम बताएं, क्या पता हम आपके दाम में आ जाएं। देखिए किबला, आप मुझे जो मर्जी कह लें, गालियां निकाल लें, लेकिन इसको घर ना कहें, ये तो बंगला है जनाब, बंगला। दो दो तो इसके डाइनिंग रूम है। वो क्यों? एक दोपहर के खाने के लिए, एक शाम के खाने के लिए। तो फिर तीसरा भी एक डाइनिंग रूम होना चाहिए था, कई बार भी खाने को जी नहीं चाहता। कैसा आप कीमत बताइए। बुजुर्गवार, कीमत तो है इसकी 30 लाख, लेकिन आपकी बुजुर्गी और आपके शराफत के मेयार को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे 25 लाख ले लेंगे। एक तो पाकिस्तान में बुजुर्गी का बड़ा एहतराम करते हैं, अच्छा आप ये कीजिए कि मेरी बुजुर्गी में इजाफा करें और इसको आप 20 लाख का कर दें। सरकार, आप तो मुझे हंसाने पे तुले हुए हैं। घर को गौर से देख लें, दोबारा देख लें, कुदरती एयर कंडीशन है, सर्दियों में सर्द, गर्मियों में गर्म, और जरा इसकी लोकेशन तो देखें, महल्ले वकू देखें, 200-200 गज तक डॉक्टर नहीं, मील मील तक पुलिस स्टेशन नहीं, और लोकेलिटी माशाल्लाह सारी पढ़ी लिखी है, और तो और मेरा घर भी यही वाकया है। बस 25 लाख से एक पैसा कम नहीं लूंगा। नहीं, हम आपसे पैसे कम करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं काश साहब, हम तो रुपए कम करने के लिए कह रहे हैं। 20 लाख। बुजुर्गवार, सियाने कहते हैं सौदा करते वक्त जहन को हाजिर रखना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है, फिर सही कभी। अब आप एक इसको एक नजर देख लें जरा गौर से, पूरा लाहौर इसके इर्द गिर्द वाकया है, ये उसके दरमियान में है, और ये जो आप सफेद गेट देख रहे हैं, ये बहुत बड़े पॉप सिंगर का घर है। अब आप खुद ही बताएं, ये सारी चीजें मिलकर कीमत में कुछ फर्क तो डालती है ना? कीमत में तो फर्क पड़ता है, फिर तो 19 का हुआ। 19 लाख पे देना है तो दीजिए, नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, ना आपकी ना मेरी तड़ाई मान, 21 लाख में आपका हुआ। अब तो 18 लाख दूंगा। ऐसे लोग होते हैं ना जो सारा दिन बंगला खरीदने के शौक में भाव तो करते हैं, और शाम को घर में बनियान लेके चले जाते हैं। आइए आइए, तशरीफ लाइए। पहचाना नहीं? पहचाना? जहां तक पहचानने का तअल्लुक है, मैं समझता हूं कि मैंने आपको नहीं पहचाना। इसका मतलब है आपने वाकई नहीं मुझे पहचाना। बीबी जी, बताएं आपको कौन सा बंगला चाहिए? जी हमें आप ऐसा बंगला दिखाइए जिसकी निचली मंजिल तो बहुत प्यार से बनी हो और ऊपर वाली मंजिल ठेके पर। मेरी तरह। असल में बात पता क्या है, जब मैं बचपन में था ना, मैं बड़ा डिगा चिपा था,
محلے والے سارے یہی کہتے تھے کسی اللہ نے نہیں پی ڈبلیو ڈی والوں نے بنایا. حسن تو اب جا کے چڑھا ہے جی. لیکن سنبل اوپر والی منزل ایسی کیوں؟ سلمان نے رہنا ہے نا. خیر تو بات یہ ہے کہ پیسوں کی کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ بالکل فکر نہ کریں, بس ہمیں بنگلہ دکھائیے. جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے میں آپ کو آتے دیکھ کے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں. لیکن ایک چیز کا آپ اطمینان رکھیں, سودا کھرا حق سچ کی آواز تڑا ایمان ہوگا. چھوٹے او چھوٹے بچے. جی صاحب جی. فیملی کو بنگلہ دکھا کے لاؤ, اور ایک چیز کا آپ لوگ اطمینان رکھیں گے سارے, کیش پراپرٹی ڈیلر پر آنے والا نقصان میں نہیں ہوتا, جانے والا نقصان میں ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہا میری بات کو؟ تشریف لے جائیں. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا جی اچھا. تھینک یو. آئیے آئیے میرے ساتھ. آپ دونوں کو ایک نہیں, ایک کے ساتھ ایک ہے ماشاء اللہ, یعنی ایک سے بڑھ کے ایک. جی وہ ہمیں آپ کر لیں بات. ناراض ہیں اس لیے آپ کہہ رہی ہیں. بڑے خوشبخت ہیں آپ کہ بیوی ناراضگی کی حالت میں بھی عزت کر رہی ہے, وگرنہ ہمارے ہاں تو وہ آپ نے بھائی لکھ کے لگاؤ کہ ارزہ نرخوں پر پلاٹ دستیاب ہے. کیا آپ کے پاس کوئی فلمی پلاٹ ہے؟ دیکھیں جی, ہمیں دو منزلہ مکان چاہیے جس کی اوپر والی منزل جو ہے بہت پیار سے بہت اچھے طریقے سے بنی ہو, نیچے والی منزل جیسے بھی ہے چلے گا, لیکن ہمیں گھر ذرا جلدی چاہیے. دیکھیں خاتون آپ اس پہ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ آپ بنگلے پہ انگلی رکھیں اور کیش کیش خان کی ٹیبل پہ رکھے ہیں, یہ پانچ منٹ میں انتقال. جی انتقال؟ کس کا انتقال؟ بیٹے بنگلے کا انتقال. آپ کیش خان کے پاس آئے ہیں, کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ آپ کا نام نیش خان, میرا مطلب کہ کیش خان کس نے رکھا؟ بیٹے جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے, پہلے میرا نام تھا ادار خان. میں بیٹے بڑا بیمار شمار رہتا تھا, پھر ایک بزرگ ملے, ان کے کہنے پہ میں نے نام رکھا کیش خان. وہ دن اور آج کا دن جہاں تک کیش کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چہرے پہ لالی ہے, سیف میں رقم ہے, اور گھر میں لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. آپ جی ہمیں جلدی سے گھر دکھائیں بھائی. دیکھیں زمین کوئی جھگڑے والی نہ ہو, کیونکہ جس جگہ پہ ہمارا پہلے گھر ہے نا, وہ لگتا ہے کوئی جھگڑے والی زمین پہ گھر بنا ہوا. ہم میاں بیوی میں بہت جھگڑا رہتا ہے. آپ ایسا کریں, کوئی جلدی نہیں ہے, تسلی کریں, آرام سے پراپرٹی دیکھیں, پراپرٹی کی پراپرٹیز آپ کو بچہ سمجھا دے گا. چھوٹے جی چھوٹے. اور بڑے ادھر آؤ, بھائی جان کے ساتھ جاؤ, جا کے بنگلہ دکھاؤ, ہری اپ. اور آپ اطمینان سے جائیں, جہاں تک بنگلے کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ آپ کو آپ کی مرضی سے ملے گا. کتنا کیوٹ تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بنگلہ جی؟ نہیں بگلہ, چھت پر بیٹھا ہوا تھا نا. آپ کا گھر بڑا پسند آیا جی. میں نے تو آپ کو بنگلہ دیکھنے بھیجا تھا, آپ میرے گھر میں کیسے چلے گئے؟ بس اب ایسا ہے کہ آپ ہمیں نا اس کی قیمت بتائیے. دیکھیں خاتون, ویسے تو وہ بنگلہ 30 لاکھ کا ہے جی, ابھی ابھی ایک پارٹی آفر بھی کر کے گئی ہے, لیکن ہم ہر ایرے گہرے کو کوئی چیز نہیں بیچتے جی. اس کے پیچھے ہم اس کا خاندانی پس منظر, اس کا تعلیمی پس منظر دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے محلے میں گند پڑ سکتا ہے نا. اور آپ تو ماشاءاللہ ساری فیملی پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ سے کیا تفتیش کرنی, چلے محبت کر دیتے ہیں. 29 لاکھ میں ٹھیک رہے گا جی. یہ تو بہت زیادہ ہے. دیکھیں جی, لوکیشن کی ویلیو ہوتی ہے, محلے وقوع گنا جاتا ہے, اور ویسے بھی وہ علاقہ ہر حوالے سے پاک صاف ہے. اور ایک بات کی میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی غریب رشتہ دار آپ کو ملنے وہاں نہیں آئے گا. پوچھیں کیوں؟ کیوں؟ ویگن ہی نہیں آتی ہے وہاں پہ. ایسا ہے کہ
हम 25 लाख देंगे। 25 लाख? वह छोटे छोटे बेटे, एक सेट चाय और आधा किलो मिठाई लेके आओ जल्दी। अब दे देगा। देखें जी, ज्यादा जहन को दलीलों में नहीं डालते हैं, आप जैसे लोगों के लिए दौलत की भला क्या अहमियत है। ये बात तो खैर है। दौलत तो जी आपके हाथ की मैल है। नहीं, मैं तो अपने हाथ धो के आई हूँ। एक बात को मेरी जरा ठंडे दिल दिमाग से गौर करें, ये 25-30 लाख रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा आपका खानदान है, जितने शुरफा और मुअज्ज़ज़ लोग हैं आप, आपके तो खानदान में बहुत बहुत बड़े लोग पैदा हुए हैं। नहीं, हमारे खानदान में तो कभी कोई बड़ा आदमी नहीं पैदा हुआ, बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, मेरी बात और है। देखिए जी, 25 लाख भी ज्यादा है। मुलाजिम तबका लगते हो, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो तुम जैसे लोग बात नहीं करते। भाई क्या नौकर, मैं भी मालिक हूँ अपनी मर्जी का। मामा वो हमें बड़े घर का समझ रहे। आहिस्ता बोलो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम मिडिल क्लास से। नहीं तो मैं मिडिल तो नहीं हूँ, मैंने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है। जी जी, फिर ऐसा है कि हम 27 लाख देंगे। छोटे, एक सेट चाय और मिठाई 1 किलो कर लो बेटा। हाँ शाबाश, जल्दी आ जाओ जल्दी। जी बिस्मिल्लाह, लाए बयाना जी। जी एडवांस? मैंने तो देखते ही आपको ये अंदाजा लगा लिया था कि ये बंगला आपका हुआ। अब आप बिस्मिल्लाह करके एडवांस दें, ये बंगला आपका। वो तो हम नहीं लेकर आए। तो जाएं ना जी, जल्दी से जाएं, एडवांस लेके आएं। आपको तो पता ही है मार्केट में कीमतें मिनटों में बढ़ती हैं जी, मिनटों में। देखे जी, ये बड़ा महंगा है, फिर भी आप कैसी बातें कर रहे हैं। जी कमाल हो गई, बिल्कुल मुझे ऐसा ही बंगला चाहिए था जिसमें एक लंबी कार हो और उस कार में मैं बैठ के घर से बहुत दूर जा सकूं। जी बंगला हमने देख लिया है, हमें बहुत पसंद आया है। कौन सा बंगला? जी वो फ्लोर उसका अच्छा नहीं, वहां ट्रॉली नहीं चल सकती। आपका ट्रैक्टर और ट्रॉली का कारोबार? जी नहीं, ये हदायत कार है जी। अच्छा अच्छा, कारों का कोई काम करते हैं। आप जी हमें फटाफट बंगले की कीमत बताएं, दैट्स ऑल। जी किस बंगले की? वो तो बिक चुका 2 मिनट पहले। 2 मिनटों में घर खरीदने का फैसला? ये कोई शादी नहीं है जो बंदा आंखें बंद करके कर ले। बेटे आप बात को नहीं समझ रहे हैं, अभी 2 मिनट पहले एक बेगम साहबा आई थी लहीम शहीम कार में, तो 27 लाख में वो डन कर गई है, आप पीछे रह गए। ये हो ही नहीं सकता, मैं 27.5 लाख दूंगा। तो नाराज हो गई है, उठने से क्या मतलब, आप तशरीफ तो रखें, बैठे तो सही। बैठे आप। छोटे बेटे, चाय लाओ और साथ में मिठाई लाओ। हैं? वैसे मैं आपको देखते ही ये समझ गया था और मेरा ये यकीन कामल था कि उस बंगले में सिर्फ आप सजेंगे। इतने महंगा है? ओफो, तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या पता हूं? सिर्फ 50,000 के लिए इतना अच्छा बंगला कैसे छोड़ दूं मैं? और फिर तुम्हें कभी कोई क्लास की चीज पसंद भी आई? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी पसंद तुम हो। बीबी जी, हक तोल की बात है, इंसाफ की बात है, बंगला तो मैं आप ही को देना चाहता हूं, लेकिन अगर आप 28 लाख तक आ जाए तो फिर सोचा जा सकता। ठीक है जी, डन, 28 लाख। छोटे छोटे बेटे, जल्दी से मिठाई और चाय लाओ, जल्दी आओ। यार रहने दे छोटे को, इतने में सौदा महंगा है। लो जी, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। लाइए फिर एडवांस। कितना? जी एडवांस तो जितना भी हो जाए, कम से कम 1 लाख तो होना चाहिए। वैसे तो बात इंसान की जुबान की होती है, ये तो सिर्फ रस्म है। ठीक है जी, हम अभी एडवांस लेके आ रहे हैं, मेरा घर यहाँ पास ही है, पास ही, अभी लेके आते हैं। चलो उठो, जल्दी करो जल्दी। जो घर हमने देखा है ना, तुम देखो। सुंबल, तुम्हें पता है कि सलमा ने भी घर पसंद कर लिया है? ओफ खुदाया, वो हर काम मुझसे पहले कैसे कर लेती है। जिंदगी में बस एक ही काम मैंने उससे पहले किया था और वो शादी थी। उसने जो घर पसंद किया है ना, वो 28 लाख का है। ओ खुदाया, यहाँ भी वो मुझसे बाजी ले गई। भाभी,
सोचो, जब जरूरत नहीं होती तो सोचते रहते हो, अब इस वक्त जरूरत है, अब सोचो ना, सोचो। यस मामा, हम कहेंगे कि हमने 30 लाख का बंगला पसंद किया है और हम कहेंगे कि वो डबल स्टोरी है। यस बंगले की कौन सी स्टोरी है जिसे डबल करके बताना है? छोड़ो इस बात को, बस जो कुछ भी सलमा कहे हमें उसे बढ़ा के बयान कर। पता क्या, वो तो ये कह रही थी कि उसके घर में हर कमरे के साथ अटैच बाथ है। तो फिर हम कहेंगे कि हमारे बंगले में हर बाथ के साथ अटैच्ड कमरा है। हम ये कहेंगे, हम अगर वो कहती है कि उसके घर में हर कमरे के साथ एक अटैच बात है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे घर में हर कमरे के साथ दो अटैच बात है। हाँ, और ये भी कहना कि उसमें स्विमिंग पूल भी है। लेकिन वहां तो कोई स्विमिंग पूल नहीं था। तुमने बाथरूम नहीं अंदर से देखा था, इतना पानी खड़ा था। और ये भी कहना कि उस घर के अंदर तो पार्क की भी जगह है। इतने से बंगले में पार्क की जगह कहाँ से आई? पार्क तो बंगले के सामने है, जहाँ मोहल्ले वाले अपने बच्चों को पार्क करते हैं। हुमा, तुमने खुद ही तो कहा था कि उस घर के अंदर पार्क की जगह है। मैंने तो ये कहा था कि गाड़ी पार्क करने की जगह है। लेकिन बहरहाल हम चाची को यही बताएंगे कि वहाँ पार्क भी है। अगर अब्बा जी को हमारे वाला पसंद नहीं आया और सलमा वाला पसंद आ गया तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, एक तो तुम्हारी बेइज्जती बहुत जल्दी हो जाती है। भाभी, आराम से खड़े हो, सोचो। मामा, मैं रोज नहीं सोच सकता, सोच सोच के मेरे बाल गिरने लगे। अच्छा, तुम तो बड़ा कहते थे कि मैं बड़ा होके अमजद इस्लाम अमजद बनूंगा। आइडिया सुंबल, क्यों ना हम जाके कल एडवांस दे दें? तो एडवांस तो वापस हो नहीं सकता, फिर तो अब्बा जी को हमारे वाला घर खरीदना पड़ेगा। नुसरत, तुम मेरे साथ रह रहकर कितनी ज़हीन हो गई। पता क्या, उस घर की तो सीढ़ियां भी फिसलने वाली हैं। जब सलमा रोज उन पर उतरे और चढ़ेगी तो किसी दिन नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों? सलमा ने तो इंश्योरेंस कराई हुई है, अगर उसकी टांग टूटेगी उसी को फायदा होगा। उसको फायदा हो जाएगा। मैं जाके प्रॉपर्टी डीलर से कहती हूँ कि वो सीढ़ियां तो फौरन ठीक कराए। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे बॉबी? पैसे तो हमारे पास नहीं है। ओ खुदाया, अब क्या करें? कोई बात नहीं है, मिलजुल के कुछ कर लेंगे ना। मेरे पास 1500 रुपए, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, बाकी तुम डाल लेना। नुसरत, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। आजम से कहूंगी तो वो तो कहेंगे पहले घर दिखाओ। क्यों ना मिसेस कमाल से उधार मांग ले? नहीं भाई, मुझे तो मांगते हुए बहुत शर्म आती। उफ़ो मामा, मांगने में उधार मांगने में बहुत फर्क होता है। मांगने में देने वाला देकर भूल जाता है और उधार मांगने में लेने वाला लेकर भूल जाता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही तो है फैमिली फ्रंट। लो जी, हम आ गए। माफ करें जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो हम बंगले के सिलसिले में आए। जहाँ तक बंगले का तअल्लुक है, वो तो कब का बिक चुका जी। हमें पता है। हैं जी? हमने ही खरीदा है ना। हम आपको ना बयाना देने आए हैं। बेगम साहब, जहाँ तक बयाने का तअल्लुक है, ये बंगला तो एक बेगम साहबा ने 28 लाख में खरीद लिया है जी। लेकिन आपने तो हमें जुबान दी थी। मैं जी पहले सिरी पाए बेचता था, अब तो नहीं। ये तो धोखा है, आपने देखे अल्लाह को जान नहीं देनी। ओ जी, मेरी जान का जिक्र छोड़े बेगम साहबा, मैंने तो आप उसे जान कहना छोड़ ही दिया है। आप यकीन करें, मैं तो दूसरी मर्तबा अल्लाह को जान देना चाहता हूँ, लेकिन वो मरती नहीं है। अच्छा जी, बहरहाल हमने फैसला किया है कि ये बंगला हम ही खरीदेंगे, हम इसके 28.5 लाख देंगे। ओ छोटे छोटे बेटे, चाय लाओ और 1 किलो मिठाई। तशरीफ रखें आप, तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि इस बंगले की मालक आप ही हो सकती है। देखें ना, जिस खूबसूरती से ये बंगला बना है, इसकी शानो शौकत देखें, इसमें आप जैसी शख्सियत ही साई सकती है। जैसा बंगला खूबसूरत, वैसे शख्सियत खूबसूरत। ये भी तो देखें ना कि बंगला इतना खूबसूरत हो और आदमी बीच में हौच मौच, ना नौकर लगे ना मालक लगे। अच्छे कपड़े पहने हो ना तो मालिक लगता हूँ। आप तो खैर कपड़ों के मालिक लगते हैं ना जी। बिस्मिल्लाह करें जी, आप बयाना दें। सलाम अलैकुम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैश प्रॉपर्टी डीलर से कैश खान हाजिर खिदमत है जी। इरशाद।
जी हमने 28 लाख में बंगला खरीदा आपसे, हम लोग थोड़ी सी देर हो गई, हम बस पहुंच रहे हैं जी एडवांस लेके आपके पास फौरन। ओ जी भले मानस आदमी, आप कौन हैं, किस बंगले की बात कर रही हैं जी? हाँ वो जिन्होंने जिस बेगम साहबा ने बंगला खरीदा जी, वो तो मेरे सामने जलवा फरोज है 28.5 लाख में। जी शौकत जी, शौकत किसी ने वो बंगला 28.5 लाख में खरीद लिया। शुक्र है, मैं समझता था इस शहर में तुम ही सबसे बड़ी बेवकूफ हो, लेकिन इस शहर में बड़े बड़े बेवकूफ पड़े हुए हैं। मेरा मतलब उस बेवकूफ को ऐसे नहीं करनी चाहिए था। हाँ सुने जी, मैं 29 लाख दूंगा। देखो 29 लाख, छोटे ओ छोटे बेटे, 1 सेट चाय और मिठाई 1 किलो बेगम साहबा के घर भिजवा दो। हाँ जी बेगम साहबा घर पहुंच रही है जी। उन्होंने बंगला जी 29 लाख में खरीद लिया है। ये तो हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है। 29 लाख 10 हजार। 29 लाख 10 हजार होगी जी कीमत जी। मैं 29 लाख 20 हजार दूंगी। 20 हजार 29 लाख 20 हजार देंगी जी वो। 29 लाख 20 हजार 1, 29 लाख 20 हजार 29 लाख 50 हजार। 29 लाख 50 हजार जी, बोली बढ़ गई, 30 हजार इकट्ठे बढ़ा दिए उन्होंने। आज बोले बोले बोले, करोड़ों का बंगला 29 लाख 50 हजार में जा रहा है जी। 29 लाख 60 हजार। बोली और बढ़ गई जी, 29 लाख 60 हजार हो गए। 60 हजार 29 लाख 60 हजार 30 लाख, बल्कि वो 30 दे रही हैं। वो 30 लाख दे रही हैं। मैं हेलो ओ भाई, बोलने तो सही, 30 लाख में जा रहा करोड़ों का बंगला, मुफ्त है ये मुफ्त। कट गया कट गया, बुरा वक्त कट गया। हेलो 30 लाख 1, 30 लाख 2, 30 लाख 3। मुबारक हो जी, बंगला आपका हुआ बेगम साहबा। बिस्मिल्ला करके बयाना दे जी। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। और इन कागजात पे आप यहां दस्तखत कर दें जी। 3 दिन के अंदर अंदर आपको बकाया रकम अदा करनी है, और इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स बगैर रजिस्ट्री मुकम्मल करके मैं आपके घर हाजिर हो जाऊंगा जी। शुक्रिया जी। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वाह सदके जाऊं, पता तो यही है। वाह मेरे अमाल का, अगर साल में एक आध गाहक ऐसा मिल जाए ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हाय हाय, अब मैं गाड़ियों के नीचे नहीं बल्कि गाड़ियां मेरे नीचे होंगी, और गाड़ी भी लूंगा मैं अपने मेयार के ऐन मुताबिक, क्योंकि सियाने कहते हैं गड्डी और बुढ़ी वो लो जिसके पास खड़े हुए मालक लगो। ये तो बात है, मैं सदके मैं कुर्बान। आ चल हाँ मेरी जान। आइए कैश साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम जी साहब। ये पता तो यही है, मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गया जी? नहीं आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे। हाजी अब्बा जी कैश साहब। अस्सलामुअलैकुम जनाब। फिर आप 20 लाख के अंदर दे रहे हैं बंगला? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? छोटे 1 सेट चाय और मिठाई। वैसे जी जहां तक मिठाई का तौलक है वो आपसे जरूर खाएंगे, लेकिन आप हैं बड़े मजेदार आदमी। देखिए खाने पीने के जो शौकीन लोग होते हैं ना, वो हर एक बात जो उनको अच्छी लगती है मजेदार कहते हैं, बेशक गाड़ी हो। आजम जरा चाय का इंतजार। जी जी। अच्छा जूर, आपको गलतफहमी हुई है, मैं किसी को मिलने नहीं आया, मैं पेमेंट लेने के लिए आया हूँ। आपने कागजात पूरे कर लिए? जी कागजात मुकम्मल है। ठीक है कैश साहब, हम आपको अभी कैश करके देते हैं।
یا اللہ یا یہ بندے غلط ہیں یا میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں شوکر دیکھو کون آیا ہے یا اللہ میں کہاں پھنس گیا ہوں شوکر دیکھو یہ خود ہمیں بنگلہ دینے آ گئے میرا اندازہ غلط ہو گیا کہ اس پورے شہر میں تم سے بڑھ کر زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے میرا مطلب کہ تم سے زیادہ بڑھ کر کوئی نہیں ہے آپ کاغذات تو لے کے آئے نا آپ پلیز یہیں رہیے گا ایکچولی مجھے وہ بنگلہ بہت پسند آ گیا تھا اتنا پسند کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں پیمنٹ لے کے آ رہی ہوں آپ یہیں ٹھہریے گا ابا جی سلما جی کاغذات تو مکمل ہیں اب آپ جلدی سے میری پیمنٹ کر دیں جی میری بستی کا ٹائم ہو گیا معافی چاہنا میری بکری کا ٹائم ہے دکان پہ اکیلا تو آپ بتائیے آپ کیا کھائیں گے پیزا کھا لیتے ہیں نا جی میں شرم کے علاوہ سب کچھ کھا لیتا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی ابا جی سے بات کرتی ہوں آپ فکر نہ کریں اوہ میری بات تو سنیں آپ پلیز آپ میری بات تو سنیں جی ابا جی آ گئے یہ ہے وہ پراپرٹی ڈیلر جن کا بنگلہ مجھے بہت پسند آیا بھئی پھر تو سلمہ تمہاری پسند میری ہی پسند ہے کیونکہ مجھے بھی ان کا بنگلہ جو ہے وہ پسند آیا نہیں سر میری بات سنیے بات یہ ہے کہ یہ تو ہم سے ڈیل کرنے آیا ہے کیونکہ ان کا بنگلہ تو ہم نے پسند کیا ہے ہاں ابا جی اتنی مشکل سے ہم نے 30 لاکھ میں طے کیا 30 لاکھ میں ہاں لیکن یہ تو ہمیں 21 لاکھ میں دے رہے تھے اور ہم نے نہیں لیا بڑے برے ہیں سنبھل بھئی یہ تم ہی کر سکتی ہو ویسے ہے نا میں نے تو پتا 27 لاکھ میں ڈیل کر لی تھی لیکن کسی سٹوپڈ سی بیگم کا فون آ گیا اور اس نے 28 لاکھ کی بولی لگا دی مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بنگلہ آپ نے پسند کیا ورنہ میں اس کی قیمت 28 لاکھ کبھی نہ لگاتی سلمہ تم نے کیا ہے یہ تم نے اس کی قیمت 28 لاکھ کر دی اوف بتایا مجھے کیا پتا تھا کہ آپ بھی بڑھ 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 کے بولیاں لگائیں گے بھائی مسٹر کیش اب اس ساری بحث کے بعد آپ کا جو گھر ہے وہ 15 لاکھ سے زیادہ کا نہیں بنتا کمال بات کر رہے ہیں بزرگوار کون سا 15 لاکھ کون سا بنگلہ یہ ادھر دیکھیں یہ اللہ کی مہربانی سے 30 لاکھ میں بک چکا ہے کس سے خریدا میم صاحبہ بولی تو نہ بنے آپ نے خود 1 لاکھ روپیہ مجھے ایڈوانس دیا ہے اور باقی یہ اپنے دستخط پہچان کے بتائیں اسٹامپ پہ میرے ہی ہیں سارے آپ کے ہیں نا اگر کوئی ہینکی پھینکی ہوئی نا تو جہاں تک عدالت کا تعلق ہے میں 1 منٹ میں وہاں جاتا ہوں صاحب آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں ہاں بالکل اور کیا سمبل تم تو کیا کروں مت بولو پلیز میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا ابا جی یہ جو ہے نا ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے یہ نہیں بنا رہا اللہ نے بنایا بہرحال بزرگوار میں آپ کا احترام کرتا ہوں صدق دل سے عزت کرتا ہوں اب آپ رقم کے بارے میں بتائیں کہ وہ مجھے پیمنٹ ہونی ہے یا مجھے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا ٹھیک ہے کیش صاحب آپ کو آپ کی رقم کل مل جائے گی اور آپ اس کی بات ہے آپ ماشاءاللہ بڑے کھرے آدمی ہیں جی بس جی آپ کاغذات مکمل کریں تو ہم آپ کو ہلو پہچانا آپ نے مجھے نہیں پہچانا شکر ہے جو سامنے بنگلہ ہے وہ آپ کا ہے اصل میں میری بیوی کی خواہش ہے کہ ہم ایسا ہی بنگلہ خریدیں میں اس کی خواہش پہ یہ بنگلہ خریدنا چاہتا ہوں یہ بنگلہ اب ہمارا ہے آپ ایسے کریں آپ ہم سے ڈیل کریں ان سے نہیں ٹھیک ہے میں 40 لاکھ سے کم نہیں دوں گا ڈن ہے بزرگوار کیا بات کر رہے ہیں آپ ڈن ہے کیسے ڈن ہے ابھی تو بنگلہ میں نے آپ کو بیچا نہیں یہ بنگلہ میرا ذاتی ہے نہیں بیانہ ہوا ہے کاغذات سائن ہوئے ہیں یہ نہیں جی بسم اللہ کر کے اپنا بیانہ واپس شیک میں لکھا ہے کہ جتنا بیانہ آپ واپس کریں گے اس کے ساتھ اتنے ہی پیسے اور دینے پڑیں گے کو فقیر فکرے ہیں ہم یہ لیں ڈبل نہیں پہچانا ایکٹنگ اگر یہی ایکٹنگ میں ہالی ووڈ میں کرتا نا تو مجھے اس کے لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے ڈالر پاؤنڈ ملتے لیکن یہاں تو دادا جی نے مجھے صرف 200 روپے ہی دیا ہے مولا خوش رکھے